बेटी हमेशा माँ बाप के दिल में रहती है। एक पिता ने अपनी बेटी की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर से था तो पिता बहुत खुश हुए। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह नाना कह सके लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन लड़की के होने वाली ससुराल घर में थे तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौक से गए। चाय में चीनी बिल्कुल ही नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। वो सोच में पड़ गए कि ये लोग भी हमारी जैसी ही चाय पीते हैं। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए दो तकिए पतली चादर। वहाँ से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया तो कुछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता है? तो बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फोन आ गया था और उसने कहा कि मेरे पापा स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वही पानी आ गया था। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ के फोटो से हार निकाल दिया। पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो लड़की का पिता बोले, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं गई है, वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में ही रहती है। और फिर पिता की आंखों से आंसू झलक गए और वो फफक कर रो पड़े। दोस्तों, दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिल में रहती। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।